सो हे गाइस, क्या चाल है यार। आई होप सब लोग मस्त होंगे। इस तो मैं लेकर आ चुका हूँ सीएस रैंक के लिए टॉप 5 सीक्रेट प्ले, जिसे आप लोग यूज करके आराम से आप लोग हर मैच का आप लोग भूया कर सकते हो और काफी इजीली आप लोग ग्रैंड मास्टर भी जा सकते हो। तो कौन सा 5 सीक्रेट प्ले यार, वीडियो को लास्ट तक देखो और जो वीडियो आ रहा है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसा वीडियो देखने के लिए मिलता रहे यार। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। टॉप 5 सीक्रेट प्लेस ओबीआर बीसीएस रैंक के लिए। तो नंबर 1 पे आता है आपको आपको नेस्टा मैप के, आपको रस्ट ऑन का अपन मैप, आपको ऐसा मैप आएगा ना, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पास भागते हुए आपको इधर आना है। जैसे मैं जा रहा हूँ ना, बस आपको देखना है कि बंदे इधर से नहीं आ रहे हो, नहीं आ रहेगा तभी आपका ट्रिक है ये वर्क करेगा, सीक्रेट प्लेस आपका वर्क करेगा। आप देखो सामने देखो भाई, कोई बंदा यहाँ पास नहीं है गाइस। अब मैं क्या करूँगा, भागते भागते आऊँगा और इसके ऊपर मैं चढ़ जाऊँगा गाइस। इसके ऊपर लोग चढ़ गए ना, तो आप लोग आराम से आप 2-3 किल आप लोग निकाल सकते हो। अब देखो एक बंदे को सामने यहाँ पर चुपचाप खड़ा हुआ था भाई, बंदे को पता भी नहीं चला कि यहाँ पास बंदा है, पीछे से उसको बगल से मैंने मार दिया। अब देखो एक बंदा भाई मेरे को देख ली यार, काफ़ी भी डैमेज दिया मेरे को, तो मैं कबर में आके आराम से एक मिर्गित मार लूँगा। अब देखो ऊपर में जो मेरे को डैमेज दिया ना, उसको हमारे टीममेट ने उस बंदे को नॉक कर दिया। अब देखो सामने में बंदे को नॉक किया था ना, उसको एक बंदा रिवाइव करने के लिए जा रहा था, उसको भाई पता भी नहीं चला कि भाई कहाँ से मार रहा है, क्या कर रहा है, बंदे को पता नहीं चला और हमने ये मैच को भाई काफ़ी आसानी से विक्ट्री कर लिया। तो नंबर 2 पे आता है, आपको क्या करना है, आपको परगेटरी में आएगा ना, तो आपको इस लोकेशन पे आपको आ देना है क्रॉस रोड के ऊपर, ठीक ना। आपको बस एक वॉल लगा देना है, इसके ऊपर चढ़ना है, आपको जंप करना है, जंप करना है, जंप करना है, 2-3 बार जंप करना है, इसके ऊपर आप लोग आ जाओगे और आप लोग यहाँ पर आके आराम से यहाँ पर सो जाना है, ठीक है। सोने के बाद आप लोग क्या करना है, आप लोग भाई सब तरफ से आप लोग बंदे को मार सकते हो। अब एक बंदा देखो इस घर के अंदर तक, तो मैंने क्या किया, सामने आया, जैसे रेड आया देखो बंदे को भाई काफ़ी तगड़ा हेडशॉट लगा। देखो एक बंदा पीछे था भाई, इसको पता भी नहीं चला भाई बंदा कहाँ से मार रहा है, क्या कर रहा है, 2 बक्की यहाँ पास कर दिया हूँ भाई। आप लोग यहाँ पास बैठ के आराम से आप लोग एज मार सकते हो। देखो एक बंदा क्या हुआ, घर के अंदर बंदे को नॉक किया था, उसको देखो उसको रिवाइव करने के लिए जा रहा था भाई, इसको बंदे को भी मैंने नॉक कर दिया हेडशॉट मार के और हमने इस मैच को भाई काफी सारे से ट्रिक कर लिया। नंबर 3 पे तक अगर आपको बरमुड़ा मैप आएगा ना, तो आपको यहाँ पास एक वॉल की जरूरत पड़ने वाला है। अब देखो भाई मेरा पता नहीं यार ये वाला वॉल कैसे सिलेक्ट हो गया, मेरे को पता ही नहीं चला। अब चलो छोड़ो यार, हो गया तो हो गया, पर अगर आपके पास अगर बड़ा वाला वॉल रहता है ना, बड़ा वाला वॉल, तो आपको एक टीममेट की जरूरत पड़ेगा। बस आपको उसको सामने बिठा देना है, उसको आपको वॉल लगाना है, आपको स्कोप करना है, स्कोप करके जंप करना है, जंप करना है, जब जंप कर बोला आप लोग इसके ऊपर आप लोग आ जाओगे, इसके ऊपर आप लोग आओगे ना, तो आप लोग यहाँ पर आराम से यहाँ पर 2-3 किले आप लोग इजिली आप लोग कर सकते हो। आप लोग को पता होगा सामने से बंदे आते रहते हैं, एक बंदा सामने था उसको एक डैमेज दिया, बाहर आएगा देखो एक और डैमेज दिया, एक गोली का बंदा बचा था, टीममेट ने खत्म कर दिया, एक खेल मेरे को मिल गया काफी इजीली यार। और यहाँ पर 2 बंदे और बचे हुए थे, तो मैं देख रहा था बंदे यहाँ पास कहाँ पास है, क्या पास है। आप लोग भाई अपने टीममेट को फुल सपोर्ट यहाँ पास से कर सकते हो। आप देखो एक बंदा क्या हुआ, इस पुलवल के पीछे छिपा हुआ था, एक और बंदा उधर था, उसको टीममेट ने नॉक कर दिया और जो वाला छिपा था ना, जैसे बाहर आया मैंने एक गोली मारा, बंदा खत्म, हमने इस मैच को भी काफी समय से विक्ट्री कर लिया। तो नंबर 4 पे आता है आपको फिर से, आपको रस्ट ऑन को आएगा ना, तो आपको अगर इधर सेट आता है तो आपको इसके ऊपर आपको चढ़ना है। इसके ऊपर चढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आपको भागते भागते तो आपको इधर आ जाना है, इधर आने के बाद आपको आराम से यहाँ पास बैठ जाना है और देखने को भी सामने देखो सामने बंदा 100% आता ही आता है गाइस। देखो जैसे हम थोड़ा वेट करेंगे तो बंदा आया भाई, बंदे को मैंने काफ़ी यहाँ पर डैमेज दिया। आप देखो फर्स्ट बताया था ना घूम के आना है, देखो भाई मेरा वाला ट्रिक यार जैसे बताया नहीं है, देखो ये ट्रिक को अप्लाई कर दिया लेकिन मेरे को पता चल गया और बंदे को मैंने नॉक कर दिया गाइस। अब देखो ऊपर एक और बंदा था जो हमारे टीममेट को नॉक कर दिया। अब जैसे मुड़ के देखा गया तो इधर से बंदा आ गया था, इस बंदे को मैंने काफी आसानी से बंदे को नॉक कर दिया, यहाँ पर 2-2 बंदे को मैंने नॉक कर दिया यहाँ पर। और देखो एक बंदा सामने में छिपा हुआ था, अभी तक वहाँ पर छिपा हुआ था गाइस, और जोन भी यहाँ पर आने वाला था, तो थोड़ा सा मैं क्या करूँगा थोड़ा सा आगे जाऊँगा। जैसे आगे गया ना गाइस, देखो बंदा क्या हुआ, बंदा सामने आया और बंदे को मैंने भाई काफी इजी बिजी बॉडी शॉट से मार के बंदे को नॉक कर दिया, और लास्ट वाला बंदा बचा था उसे हमारे टीममेट ने मार दिया और इस मैच को हमने काफी सारे से भी विक्ट्री कर लिया काफी इजी ट्रिक से। तो नंबर 5 क्या था, सबसे इजी ट्रिक यार, अगर आपको भाई बरमुड़ा पाइप आता है और आपको मास इलेक्ट्रिक आ जाता है तो क्या करना है, आपको इधर आता है ना, तो आपको यहाँ पर जैसे आपका शुरू होगा मैच तो आपको यहीं पर आपको रुके रहना है, ठीक रुके रहना है, आपको सामने नहीं जाना है,
बस आपको देखना है कि बंदे कहाँ कहाँ क्या कर रहे हैं, बंदा इधर आता ही आता है, एक दो बंदे तो आप लोग आता है तो आप लोग भाई आराम से आप दो तीन की इजी पीजी आप लोग कर लोगे। देखो सामने सामने बंदा आया, बंदे को मैंने भाई काफी सारे से बंदे को नॉक कर दिया। आप आपको क्या करना है, आपको भी थोड़ा सा वेट और करना है गाइस। आपको भाई देखो बंदा आपको यहाँ पास नोटिस नहीं करता, क्या होता है कि भाई बंदा सब करेंगे कि बंदा लड़ रहा है यहाँ पास फाइट कर रहा है, लेकिन भाई आपको यहाँ पास रुके रहना है। आप रुके रहोगे ना तो आप लोग यहाँ पास आराम से आप लोग दो तीन किलो आप लोग तो ईजी निकाल लोगे गाइस। आप देखो एक बंदा देखो सामने आया, देखो बंदे को देखो बंदे को हाँ भाई हेड शॉट से बंदे को डैमेज दिया, और ये बंदे ने क्या हुआ मेरे को यहाँ पास देख लिया था, पीछे टीममेट ने बंदे को नॉक किया, उसने दिमित्री को ऑन कर दिया। अब मैंने भी इस बंदे को भाई काफी सारे से बंदे को क्लियर कर दिया और इस मैच को हमने काफी सारे से भूया कर लिया गाइस। ये सीकर प्लेयर भाई काफी खतरनाक है यार, आप लोग यूज जरूर से करना और कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो गाइस, तब तक के लिए जय हिंद यार, जय भारत गाइस।